ओके दोस्तों, तो इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में फर्स्ट ओडीआई मैच खेले जाने वाला है हेडिंग्ले लीड्स इंग्लैंड पे। और क्योंकि दोस्तों ये सीरीज का पहला मैच है ना, तो आप लोगों के मन पे बहुत सारे डाउट्स होंगे इस मैच को लेकर। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है? हेडिंग्ले लीड्स यहां पर पिछले 4-5 साल से कोई ओडीआई मैच नहीं खेले गए हैं, तो यहां के पिच का बिहेवियर कैसा है? दोनों टीमों की अगर आप लोग बात करोगे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इंग्लैंड के प्लेइंग 11 पे बहुत चेंजेस दिखेंगे दोस्तों आप लोगों को। आयरलैंड तो अपने एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 के साथ ही खेलेगी, लेकिन इंग्लैंड का जो प्लेइंग 11 रहने वाला है ये कंप्लीट चेंज आप लोगों को दिखेगा। कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर आप लोगों को इस मैच पे खेलते हुए दिखेंगे और कौन से प्लेयर आप लोगों ने मेगा ग्रैंड लीग पे अपने टीम पर लेना है? बाकी दोस्तों, अगर आप लोग इस मैच पे अपने लिए फैंटेसी की टीम बना रहे हो तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे दोनों टीमों के प्लेइंग 11 को, उनके रीसेंट रिकॉर्ड्स को, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर दोस्तों यहां पर आप लोगों को एकदम नए प्लेयर्स दिखेंगे, तो उनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आयरलैंड की टीम से कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिन्हें आप लोगों ने अपने टीम पर लेना है, कौन सा हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर आप लोग इजिली ड्रॉप कर सकते हो और कौन सा लो सिलेक्शन प्लेयर आज के इस मैच पे आप लोगों के लिए पंट प्लेयर होने वाला है, आयरलैंड की टीम से कौन कौन से बॉलर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और इंग्लैंड के लाइनअप पे जो ऐसे आप लोग चेंजेस देखोगे ना कि आप लोगों को बहुत डाउट रहेगा टीम क्रिएट करने के लिए। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों ने पूरा देखना है, ध्यान से समझना है और अपने लिए एक परफेक्ट टीम बनाना है। बाकी दोस्तों, पिच कंडीशंस को समझने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। एशिया कप पे हर मैच पे आप लोगों ने वन साइड विन किया, क्यों मालूम है? क्योंकि आप लोग कनेक्टेड थे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग हमेशा से अपडेटेड रहे, चाहे बात करूं प्लेइंग 11 की, चाहे बात करूं पिच की, चाहे बात करूं फाइनल टीम की। तो अगर अभी तक बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ही नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा दोस्तों, लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं हेडिंग्ले लीड्स इंग्लैंड, जहां पर कि ये मैच खेला जाने वाला है। ओके दोस्तों, वेन्यू की पिच की मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर जो रीसेंट मैच हुआ था वो 2019 में हुआ था, दो 2021-22 में एक मैच शेड्यूल तो हुआ था बट बारिश की वजह से वो मैच वॉश आउट हुआ था। तो यहां पर जो लास्ट मैच खेला गया वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में खेला गया था, श्रीलंका की टीम ने 264 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे, और टीम इंडिया ने इस रन को इजीली चेस कर लिया था दोस्तों 265 रन बनाकर। दो बैट्समैन ने यहां पर 100+ रन की भी पारी खेली थी। बाकी श्रीलंका की टीम से जो 7 विकेट गिरे थे उसमें 5 विकेट पेसर को, 2 विकेट स्पिनर को, इंडिया की टीम से 3 विकेट गिरे, 3 विकेट पेसर को मिले थे। बाकी वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी यहां पर 2019 पे सेम वेन्यू पे मैचेस खेले जा चुके हैं। लेकिन अगर आप लोगों को पिच के बिहेवियर को समझना है ना, तो रिसेंटली यहां पर 100-मैन सीरीज के मैचेस होते हैं, डोमेस्टिक मैचेस है, बट वो आप लोगों को एक बेहतरीन आइडिया दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखोगे 2019 से लेकर 2023, 4 साल पे दोस्तों पिच के बिहेवियर पे बहुत चेंज आता है। तो एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर अगर टीम इंग्लैंड पहले बैटिंग करने आती है तो टीम इंग्लैंड यूज टू होगी इस कंडीशन की, और वो यहां पर एक बेहतरीन स्कोर बना सकती है। आयरलैंड की टीम अगर यहां पर फर्स्ट इनिंग्स पे बैटिंग करने आती है तो टीम थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है, बिकॉज इस वेन्यू पे पेसर को अच्छे एडवांटेज मिलेंगे। बॉल इनिशियली दोस्तों आप लोगों को यहां पर स्विंग होती हुई दिख सकती है, और यहां पर आप लोगों को मेजोरिटी ऑफ विकेट पेसर को ही मिलते हुए दिखेंगे। क्लियर है? बाकी एक बार आप सभी लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कीजिएगा, लाइव पिच रिपोर्ट आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा, उसके हिसाब से हो सकता है जो प्लेइंग 11
पे भी चेंजेस दिखे और जो टीम हम आप लोगों के लिए यहां क्रिएट करें उसमें भी आप लोगों को चेंजेस दिख सकते हैं। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को जैक क्रॉले और बैन डकट ओपन करते हुए दिखते हैं। हैरी ब्रुक नहीं खेल रहा है तो जो रूट ने रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें खेलना है अपना फॉर्म वापस लेना है तो इस मैच में आप लोगों को जो रूट खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सैम हैंस दिखेंगे और विकेट कीपिंग वाले सेक्शन पे दोस्तों वैसे प्रोबेबिलिटी हाई है कि फिल सॉल्टी आप लोगों को खेलते हुए दिख रहे, बट अगर टीम यहां पर ऑप्शनल प्लेयर लेना चाहेगी तो यहां पर आप लोगों के जेमी स्मिथ भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे विल जैक्स और रिहान अहमद आप लोगों को दिखेंगे। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप लोगों को ब्राइडन कार्से, ल्यूक वुड, पॉट्स और टॉम हार्टले आप लोगों को खेलते हुए देख सकते हैं। देखो मैथ्यू पॉट्स और टॉम हार्टले में से कोई एक खेलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर स्पिन को एडवांटेज रहता है तो यहाँ पे टॉम हार्टले को मौका मिल सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पिच कंडीशंस के हिसाब से ये सब एंड टाइम पे डिसाइड होगा, बट मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा जैसे ही मुझे अपडेट मिलेंगे। बाकी जॉर्ज स्क्रिमशो आप लोगों को खेलते हुए देख सकते हैं। ये दोस्तों इंग्लैंड की प्लेइंग 11 रह सकती है। वही बात करूं आयरलैंड की प्लेइंग 11 की तो यहां पर पॉल स्टेरिंग और एंडी बेलबेर्नी आप लोगों को ओपन करते हुए दिखते हैं। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे कर्टिस कैंपर खेलने आते हैं, फिर आप लोगों को हैरी टैक्टर दिखेंगे, फिर लॉर्कन टकर दिखते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ऑलराउंडर वाले सेक्शन से जॉर्ज डॉकरेल दिखेंगे, फिर आप लोगों को दोस्तों यहां पर एंडी मैकब्राइन और टी वायरकॉम खेलते हुए दिखेंगे। वायरकॉम तभी खेलेंगे दोस्तों जब स्पिन को एडवांटेज होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी यहां पर आप लोगों को जोशुआ लिटिल, मार्क आडे, क्रेगियन और बैरी मैकार्थी बॉलिंग वाले सेक्शन पे दिखेंगे। ये आयरलैंड की टीम की प्लेइंग 11 रह सकती है। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप सभी लोगों को यह बात पक्का से पता होगा कि अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे ना आप लोग तो इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में दोस्तों अभी तक टोटल 13 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से कि 10 मैच इंग्लैंड ने विन किए हैं और आयरलैंड से 2 मैच विन कर पाई है, 1 मैच नो रिजल्ट पे रहा था। बाकी ऐसे ही अगर यूजफुल इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है तो ट्रेडेक्स ऐप पर आप लोग अपने प्रेडिक्शंस देकर इजिली बहुत सारा कैश अवार्ड विन कर सकते हो। ट्रेडेक्स ऐप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे है। ये एक दोस्तों ओपिनियन बेस्ड ऐप है जहां पर कि आप लोगों ने सिर्फ अपना ओपिनियन देना है और यहां पर आप लोग बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बाकी सिंपल से क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लैंड टू विन अगेंस्ट आयरलैंड, हाई प्रोबेबिलिटी है दोस्तों इंग्लैंड इस मैच को जीतेगी। बाकी अगर आप लोग देखोगे 470 रन बनेंगे क्या पिच के कंडीशंस के बाद, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा इस ट्रेड को आप लोगों ने किस साइड पे लेना है। बाकी अगर आप लोग देखोगे इंग्लैंड टू हिट मोर सिक्सेस देन आयरलैंड, इसे भी आप लोग यस कर सकते हो। टोटल 13 और मोर विकेट जाएंगे इसके दोस्तों, ये अभी के टाइम पे डाउटफुल है ट्रेड लेना है कि नहीं। एनी बेटर फ्रॉम इंग्लैंड टू बी टॉप रन स्कोरर, यस आप लोग इसे यस कर सकते हो। ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आप लोगों को दिखेंगे। और एक खास बात है दोस्तों, ट्रेडेक्स ऐप पे मैं आप लोगों को लाइव प्रेडिक्शन भी देता हूं टेलीग्राम ग्रुप पे। पूरे एशिया कप पे दोस्तों मैंने आप लोगों को टोटल 44 ट्रेडेक्स आपके ट्रेड दिए थे, जिसमें से कि आप लोगों ने 42 ट्रेड्स विन किए, 2 ट्रेड लॉस हुए हैं, बाकी 42 ट्रेड्स हम लोगों ने विन किए। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे ही लिंक है, ट्रेडेक्स ऐप का भी है, टेलीग्राम ग्रुप का भी है, पक्का से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड की टीम पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया फिल सॉल्ट और जेमी स्मिथ में से कोई एक खेलेगा, ठीक है, ये दोनों नहीं खेलेंगे, मैंने दोनों के रिकॉर्ड आप लोगों को जरूर दे दिए। थर्ड डाउन पोजीशन पे खेलने आएगा जो भी खेलेगा। फिल सॉल्ट का रिसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, 23 रन बैटिंग नहीं, 12 रन, 7 रन, 35 रन, 14 ओडीआई मैच पे 38 का एवरेज है, 50 दो बार बना चुका है, वेन्यू पे एक मैच खेला है जिसमें कि 0 रन इन्होंने बनाया। वही जेमी स्मिथ की अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक मैच में देखोगे तो 60 रन, 2 रन, 38 रन, 52 रन, 60 रन, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाया है। बाकी 59 T20 डोमेस्टिक मैच खेले जिसमें 24 का एवरेज है, बेस्ट को 60 का, 50 5 बार बना चुका है। जेमी स्मिथ दोस्तों एक अच्छा प्लेयर है, एक पंट प्लेयर बन सकता है अगर खेलता है और इंग्लैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आती है, क्योंकि चेस करेगी तो हो सकता है कि आयरलैंड की टीम उतना बड़ा स्कोर ना दे तो ज्यादा बैट्समैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आयरलैंड की टीम से दोस्तों लॉर्कन टकर आप लोगों को दिखेंगे,
रिकॉर्ड देखोगे 6 रन 0 रन 19 रन 25 रन और 24 रन 44 ओडीआई मैच में 20 के एवरेज से खेलते हैं, 50 3 बार बना चुके हैं, हेड टू हेड 4 मैच खेले जिसमें 9 का इनका एवरेज है। अब देखो लॉर्कन टकर का तो बैटिंग आना तय है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे बैटिंग मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिल सॉल्ट और जेमी स्मिथ में से जो भी खेलेगा, मतलब इंग्लैंड का जो विकेट कीपर होगा उसकी बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी, इस बात पे डाउटफुल है, क्लियर। तो इंग्लैंड की टीम अगर फर्स्ट इनिंग्स पे बैटिंग करने आती है तो उस कंडीशन पे आप लोग इंग्लैंड के विकेट कीपर को रखोगे, चेस करने आती है तो उस कंडीशन पे आप लोग लॉर्कन टकर को ट्राई कर सकते हो। दो, लॉर्कन टकर का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत खराब है, रन ज्यादा नहीं बनाएगा ये तो मुझे पता है, क्लियर। स्टिल कंडीशन वही है कि उन्हें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट एक और डाउट है दोस्तों, अगर इंग्लैंड के बॉलर पूरे 10 विकेट निकाल देते हैं तो ऐसा होगा ही होगा, इस 10 विकेट में से 2 या 3 विकेट में तो विकेट कीपर का रोल होगा ही होगा। अगर विकेट कीपर का रोल आ जाता है 2-3 विकेट पर भी, समझो 3 विकेट भी मिल जाते हैं तो आप लोगों को 24+4 28 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाएंगे, क्लियर। दोनों कंडीशंस को ध्यान पे रखिएगा। फर्स्ट पे बैटिंग करने आएगी अगर इंग्लैंड तो 100% इंग्लैंड के ही विकेट कीपर को लेकर चलिएगा। अब आ जाओ दोस्तों अपने बैटिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। बैटिंग वाले सेक्शन पे इंग्लैंड के टीम पर आप लोगों को जो रूट, जैक क्रॉले, बेंडकट और सैम हैंस दिखेंगे। जैक क्रॉले को देखो तो 58 फिर 0 फिर 39 ओपन करने आएगा, 3 ओडीआई मैच खेले, 48 का एवरेज है, 58 नॉट आउट इनका बेस्ट स्कोर है। बेन डकेट की अगर मैं बात करूं तो 0 63 3 20 0, 6 ओडीआई मैच में 24 का ही एवरेज है। जो रूट की अगर मैं बात करूं तो इनका फॉर्म खराब है, यहां 6 0 4 यहां 29 रन, एक ही बार 29। बट जो रूट के लिए ना एक बात ध्यान दीजिएगा प्लीज, 7 मैच खेले वेन्यू पे 84 का इनका एवरेज है, 50 दो बार और सेंचुरी 2 बार बना चुके हैं, प्लस हेड टू हेड 3 मैच में 64 का इनका एवरेज है, क्लियर। ओडीआई में भी बेहतरीन कर रहे हैं, रीसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, बट मेरे हिसाब से तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे दोस्तों, पिक करके चलिएगा। इनफैक्ट आप लोग इन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे। सैम हैंस की अगर मैं बात करूं तो लिस्ट डे पे अगर परफॉर्मेंस देखोगे 30 रन 16 रन 33 रन 23 रन 30 रन, बाकी 122 मैच में 40 के एवरेज से खेलते हैं, प्लेयर ठीक है ये भी, क्लियर। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, देखो स्मॉल लीग के लिए इंग्लैंड की टीम चेस करेगी तो जैक क्रॉले, बेन डकेट और जो रूट को लेकर चलना, बाकी को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स पे बैटिंग करने आएगी तो जैक क्रॉले और बेन डकेट में से किसी एक ओपनर को लेकर जो रूट को आप लोग यहां से इजीली पिक कर सकते हो, सिंपल है ना, मतलब समझ गए ना कैसे आप लोगों ने पिक करना है। बाकी आयरलैंड की टीम को अगर आप लोग देखोगे तो पॉल स्टेरिंग 0 6 162 58 15, पहले अच्छा खेलते थे, अभी के टाइम पे खास फॉर्म है नहीं, हेड टू हेड 11 मैच में 30 का ही एवरेज है, वो भी एक मैच में मेजर रन एक ही मैच में बनाया है, बाकी मैच में लगभग फ्लॉप ही रहे हैं, आप लोग देखो 50 भी नहीं आया है। पॉल स्टेरिंग को मैं ड्रॉप कर दूंगा। एंडी बालवेनी की अगर आप लोग बात करोगे 0 12 66 45 फिर 1 रन, बाकी 101 मैच में 32 का एवरेज है, अगेंस्ट इंग्लैंड 7 मैच में 28 का एवरेज है, 113 रन बेस्ट स्कोर है इनका। हैरी टेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 6 33 57 25 और 60, 38 मैच में 50 का एवरेज है, हेड टू हेड 3 मैच में 28 का एवरेज है इनका। बाकी जॉर्ज डॉकरेल को अगर आप लोग देखोगे 69 26 15, बैटिंग नहीं 33, 117 मैच में 23 का एवरेज है, हेड टू हेड रिकॉर्ड सही नहीं है। तो यहां से दोस्तों आप लोगों के लिए हैरी टेक्टर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, क्लियर। बाकी के चलने के चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्लियर है। मतलब इंग्लैंड की टीम से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन बनता है, जैक क्रॉले, बेन डकेट ओपन करने आएंगे, मेगा ग्रैंड लीग पे एक को ड्रॉप कर सकते हो, स्मॉल लीग पे दोनों को लेकर चलिएगा, फर्स्ट राउंड पोजीशन पे जो रूट आएंगे, उसके बाद सैम हैंस आप लोगों को दिखेंगे, सैम हैंस तक आप लोगों को शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। आयरलैंड की टीम से ओपन करने आएंगे पॉल स्टेरलिंग के साथ एंडी बालवेनी, दोनों में से शायद ही कोई बड़ा रन कर पाए, बट यहां पर हैरी टेक्टर आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं, बाकी जॉर्ज डॉकरेल का भी फॉर्म कुछ खास नहीं है। क्लियर हो गया बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे आ जाओ। ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे दोस्तों टीम इंग्लैंड की तरफ से आप लोगों को विल जैक्स दिखेंगे और रिहान अहमद जाएंगे। अगर एक बैलेंस मैच होता है, मतलब आप लोगों को लगता है कि हाँ आयरलैंड की टीम भी टक्कर देगी, इंग्लैंड के भी विकेट्स निकलेंगे, उस कंडीशंस पे विल जैक्स आप लोगों के लिए सीवीसी का कंटेंडर रहेगा, दूसरा कंटेंडर,
पहला कंटेंडर जो रूट है, दूसरा कंटेंडर आप लोगों के लिए विल जैक्स है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दो ओडीआई मैच खेले हैं, 13 का ही एवरेज है, एक विकेट है, बट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिहान अहमद की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगा अगर स्पिन को एडवांटेज रहता है। सेकेंड इनिंग्स पे तो स्पिनर आ जाएगा रोल पे, फर्स्ट इनिंग्स पे बट रिहान अहमद ना दोस्तों विटी बॉलर है, वैसे मैंने इसे देखा है खेलते हुए, विकेट जनरली निकाल ही लेता है। यहां देखोगे अगर टेस्ट मैच का रिकॉर्ड देखोगे, एक विकेट है, फिर दो विकेट है, बाकी T20 इंटरनेशनल पे 3 मैच खेले हैं, 11 विकेट है, मतलब आप लोग ट्राई कर सकते हो। मेगा ग्रैंड लीग पे तो ट्राई किया ही जा सकता है। इनफैक्ट सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने आए इंग्लैंड की टीम तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इनिंग्स में भी इंपॉर्टेंट है, लो सिलेक्शन परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है यहाँ। बाकी क्यूटिस कैंपर और एंडी मैकब्राइन आप लोगों को आयरलैंड के टीम से दिखेंगे। क्यूटिस कैंपर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेयर है आयरलैंड के टीम से, एक है आप लोगों के लिए हैरी टेक्टर, दूसरा है आप लोगों के लिए क्यूटिस कैंपर, इंपॉर्टेंट प्लेयर नोट डाउन करके रखिएगा, इन्हीं में से आने हैं अंदर, ठीक है। इसका परफॉर्मेंस देखो, 120 रन, एक विकेट, 39 रन, दो विकेट, फिर यहां पर फ्लॉप रहा, यहां पर फिर से चला है। बाकी हेड टू हेड देखोगे तो परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, 3 मैच में 127 का एवरेज है, 5 विकेट भी है और 50 दो बार बना चुका है, मतलब अगेंस्ट इंग्लैंड खेलता है, ये भी मेगा ग्रैंड लीग का एक बीसी का कंटेंडर बनता है, हो सकता है ये रन भी बना दे और विकेट्स भी निकाल दे, क्लियर। बाकी बात करूं दोस्तों एंडी मैकब्राइन की तो यहां देखो 32 रन 0 विकेट, 17 रन 0 विकेट, 24 रन 2 विकेट, 35 रन 2 विकेट, 17 रन 1 विकेट। बाकी यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखोगे हेड टू हेड 3 मैच में 11 का एवरेज है और एक ही विकेट है। एंडी मैकब्राइन दोस्तों मैं होपफुली ड्रॉप ही करके चलूंगा, क्लियर। सेकंड इनिंग्स में मैं ट्राई कर सकता हूं अगर आयरलैंड की टीम बॉलिंग करने आएगी, फर्स्ट इनिंग्स में तो ड्रॉप ही मान के चलो। मतलब हैरी टेक्टर और क्यूटिस कैंपर अभी तक दो इंपॉर्टेंट प्लेयर आयरलैंड की टीम से जो मेरे निकल कर आ रहे हैं। बॉलिंग वाले सेक्शन पे आ रहे हो, बॉलिंग वाले सेक्शन पे दोस्तों आप लोगों को यहां पर इंग्लैंड के टीम से ब्राइडन कार्से दिखेंगे, ल्यूक वुड दिखेंगे, मैथ्यू पॉट दिखेंगे और जॉर्ज स्क्रिमशॉ दिखेंगे। ब्राइडन कार्से को अगर आप लोग देखोगे 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 10 मैच पे 13 विकेट है इनके पास, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक है इंग्लैंड की टीम। फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग आए तो ये ल्यूक वुड और ये जो ब्राइडन कार्से दिख रहा है ना, इसमें से भी एक आप लोगों को सीवीसी का एक अच्छा कंटेंडर निकाल कर ले जाएगा, एक ना एक आप लोगों के लिए 3 और 4 विकेट इजिली, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि ल्यूक वुड को भी देखो अभी तक खैर डोमेस्टिक मैचेस पे 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 5 मैच पे 8 विकेट है दोस्तों, अच्छी बॉलिंग करता है ल्यूक वुड, विकेट टेकर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब ब्राइडन कार्से और ल्यूक वुड तो मस्ट पिक है और ये सीवीसी के भी कंटेंडर है अगर इंग्लैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है। बाकी मैथ्यू पॉट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों 44 T20 डोमेस्टिक मैचेस पे 49 विकेट है, 2 विकेट, फर्स्ट क्लास पे 4 विकेट, 0-0, 5 विकेट, मतलब विकेट्स निकालता है ये भी। बाकी जॉर्ज स्क्रिमशॉ की अगर मैं बात करूं तो राइट आर्म फास्ट मीडियम फास्ट बॉलर है, 48 मैचेस पे 64 विकेट है। इंग्लैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आएगी तो 1, 2, 3, 4 चारों को लेकर चलना है आंख बंद करके, क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो ब्राइडन कार्से और ल्यूक वुड तो लेना ही है, बाकी मैथ्यू पॉट और जॉर्ज स्क्रिमशॉ में से आप लोग डिफरेंशियली एक पिक कर सकते हो। आयरलैंड की टीम से इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो यहां देखो जोशुआ लिटिल को देखो, 32 मैच में 48 विकेट है, हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है दोस्तों, 3 मैच पे 9 विकेट है, एक इंपॉर्टेंट बॉलर है। आयरलैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स में खेल, इंग्लैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आती है तो उस कंडीशन पे इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी काउंटी क्रिकेट्स खेलता है, 100 मैन सीरीज पे भी खेलता है तो यूज टू है इंग्लैंड के कंडीशंस से। बाकी मार आडिर की अगर मैं बात करूं 3 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, हेड टू हेड परफॉर्मेंस खास नहीं है, 2 मैच पे 1 विकेट है। क्रेग यंग की अगर मैं बात करूं तो 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 4 मैच पे 6 विकेट है, 39 मैच पे 65 विकेट है। बाकी बैरी मैकार्थी की अगर मैं बात करूं तो 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 42 मैचेस पे 69 विकेट है, हेड टू हेड 2 मैच पे 2 विकेट है। बैरी मैकार्थी भी इंपॉर्टेंट है, जोशुआ लिटिल, बैरी मैकार्थी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड के 4 प्लेयर बता सकते हो कौन कौन, हैरी टेक्टर बैटिंग वाले सेक्शन से, क्यूटिस कैंपर ऑलराउंडर वाले सेक्शन से और बॉलिंग वाले सेक्शन से जोशुआ लिटिल और बैरी मैकार्थी, ये 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर है आयरलैंड के टीम के, इन्हें ध्यान से टीम पर पिक कीजिएगा, क्लियर है। बाकी अभी के टाइम पे दोस्तों देखो टीम पर चेंजेस हो सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन रहिएगा,
लॉर्गन टकर मैंने लिया है कि ये सपोज करा है कि इंग्लैंड की टीम चेस करने आएगी, कुछ रन ये स्कोर कर दे और टॉप ऑर्डर ही सारा रन चेस कर दे, इस एक्सपेक्टेशन के साथ ये टीम है। बाकी मैंने आप लोगों को बताया यहां पर आप लोग इजीली ट्राई कर सकते हो इंग्लैंड के विकेट कीपर को, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। मतलब यहां पर आप लोग इजीली ट्राई कर सकते हो किसे, फिल सॉल्ट को, क्लियर। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो खेलेगा उसी को आप लोगों ने यहां पर पिक करना है, क्लियर। बाकी क्यूटी स्कैम्पर, विल जैक्स और रिहान अहमद है, बाकी कार्से है, बैरी मैकार्थी है, स्क्रिमशॉ है, ल्यूकुड है, क्लियर। अब देखो चेंजेस तो रहेंगे इस टीम पे, पक्का सी बात है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर मैंने आप लोगों को बताया है। बैलेंस मैच लगता है तो एक, देखो बता देता हूं आप लोगों को, दूसरा और ये दोनों, ये चार दिख रहे हैं आप लोगों को प्ले, जो रूट, विल जैक्स और कार्से और ल्यूकुड, इन चारों में से आप लोगों को सीवीसी निकलता हुआ दिख जाना चाहिए। बाकी क्यूटी स्कैम्पर अगर बहुत ज्यादा अच्छा टीम खेल जाती है आयरलैंड की भी तो, क्लियर। टेलीग्राम ग्रुप पे रहिएगा, वहां डिस्कस करेंगे पिच के रिपोर्ट के बाद, मतलब एक फाइनल टचअप जो मिलेगा ना इस टीम को टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखोगे यहां पर मैंने हैरी टेक्टर को नहीं लिया है, जबकि मैं बोल रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लीजिएगा, ठीक है। वहां पर एग्जैक्ट टीम डिस्कस करेंगे लगभग, मतलब मैंने आप लोगों को यहां पर 12 से 14 प्लेयर बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने उन्हीं प्लेयर को घुमा के अपनी टीम बना ली है, क्लियर। इस बात को ध्यान रखिएगा, सीवीसी के भी कंटेंडर आप लोगों को मैंने बता दिया है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात जी, अगर अभी तक आप लोगों ने ट्रेडिक्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पर ट्रेडिक्स ऐप का लिंक मिलेगा, लिंक के थ्रू ट्रेडिक्स ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, तो सभी लोग जिम्मेदारी से खेलें। धन्यवाद दोस्तों।